कि न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। कि न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। जी हां, ये बयान प्रधान सेवक ने 2014 में दिया था और खुद को गंगा पुत्र बताया था। मां गंगा की सफाई को मुद्दा बनाकर पीएम मोदी चुनाव तो जीत गए लेकिन मां गंगा को भूल गए। मां गंगा को अगर किसी ने याद रखा है तो वो थे गंगा पुत्र और आज के भागीरथ। लेकिन वो भागीरथ भी अब नहीं रहे। लंबे समय से मां गंगा की स्वच्छता और रक्षा की मांग कर रहे प्रोफेसर जेडी अग्रवाल का गुरुवार को निधन हो गया। उन्हें स्वामी सानंद के नाम से भी जाना जाता था। स्वामी सानंद पिछले 112 दिनों से अनशन पर थे और उन्होंने 9 अक्टूबर को जल भी त्याग दिया था। गंगा के लिए काफी समय से लड़ाई लड़ रहे स्वामी सानंद अब हमारे बीच नहीं रहे। उनका असली नाम प्रोफेसर जीडी अग्रवाल था। 87 साल के स्वामी सानंद ने ऋषिकेश में गुरुवार दोपहर 1 बजे अंतिम सांस ली। वह गंगा के नदी की स्वच्छता को लेकर प्रयासरत थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत भी लिख चुके थे। प्रोफेसर जीडी अग्रवाल उर्फ स्वामी सानंद ने ऋषिकेश के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में प्राणों की आहुति दे दी। स्वामी सानंद पिछले 22 जून से अनशन पर थे। उन्होंने 9 अक्टूबर को जल भी त्याग दिया था। 2011 में स्वामी निगमानंद की हिमालयन अस्पताल जॉली ग्रांट में मौत के बाद गुरुवार की दोपहर गंगा में एक और लाल ने प्राण त्याग दिए। स्वामी सानंद के ऋषिकेश एम्स में निधन की खबर मिलते ही गंगा प्रेमियों में शोक की लहर फैल गई। प्रोफेसर जीडी अग्रवाल यानी स्वामी सानंद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम 24 फरवरी 2018 को खुला खत लिखा था। उसको काशी में ही सार्वजनिक किया था। इस खुले खत में अफसोस जाहिर करते हुए उन्होंने लिखा था कि आपकी सरकार द्वारा गंगा मंत्रालय गठन के लिए साथ जो भी उम्मीदें जगी थी वह 4 साल में धाराशाही हो गई है। इसलिए गंगा दशहरा यानी 22 जून 2018 से हरिद्वार में निर्णायक अनशन करने का फैसला किया है। फॉर मी द इशू ऑफ कंजर्विंग भागीरथी गंगा अप टू उत्तरकाशी इन इट्स नेचुरल फॉर्म इज नॉट एन इशू। It is my mission of life. I am sort of brought up in the Hindu way of thinking, and I feel that everybody has a destiny. And it was 3 years back that it dawned to me, as if my inner voice, that my whole life was only for this purpose. Either I die for it, or If I achieve it, then I have achieved my mission of life. स्वामी सानंद अपने अनशन से पूर्व प्रधानमंत्री को कई पत्र लिखकर गंगा में खनन रोकने समेत तमाम मुद्दों को रखते हुए लिखे, लेकिन उनकी अनसुनी होते देख वे अनशन पर बैठ गए। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भी उनके जीवन को सुरक्षित रखने और अपनी मांगों के संबंध में आंदोलन करने को लेकर निर्देश दिए थे। गुरुवार सुबह गंगा के लिए अनशन कर रहे प्रोफेसर जीडी अग्रवाल उर्फ स्वामी सानंद ने एक पत्र लिखकर अपना शरीर एम्स को दान करने का संकल्प पत्र लिखा। प्रोफेसर जीडी अग्रवाल गंगा रक्षा के लिए 22 जून से तपस्यार थे। उनकी मांग गंगा पर बन रही विद्युत परियोजना को निरस्त करने और नई परियोजना नहीं बनाने समेत गंगा को लेकर साल 2012 में तैयार किए ड्राफ्ट पर संसद में गंगा एक्ट लाने की थी। इसके अलावा उत्तराखंड की भागीरथी, मंदाकिनी, अलकानंदा, पिंडर, धौली गंगा और विष्णु गंगा नदी पर निर्माणाधीन व प्रस्तावित जल विद्युत परियोजनाओं पर रोक लगाने, गंगा क्षेत्र में वनों के कटान और खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने, गंगा से जुड़े अहम फैसलों के लिए गंगा भक्त परिषद के गठन करने। गंगा तो साफ नहीं हुई, मगर अफसोस माँ गंगा ने अपने सबसे प्रिय पुत्र को खो दिया। लेकिन भागीरथी की तरह पूरा देश स्वामी सानंद का नाम और मां गंगा के लिए उनके प्रयासों को याद रखेगा। एनवी न्यूज के लिए विनीत शर्मा की रिपोर्ट। देश दुनिया अपने प्रदेश की अन्य खबरों के लिए एनवी न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।